कहा लग रहा हो की सरकार बने? बीजेपी की बनना, वो तो क्लियर है। नोटबंदी से जितना भी बेनिफिट हुआ है सब बड़े लोगों को हुआ है, इसीलिए नोटबंदी कराई गई थी, बड़े लोगों को फायदा दिलाने के लिए हुआ है। बीजेपी को ज्यादा काय लग रहा हो? बीजेपी ऐसी ही ले रहा भैया, आजकल मोदी छाया जा रहा है। गाड़ी में फोन आ रहा भैया, हम मोदी जी बोल रहे हैं हमें सपोर्ट करें, पलायन तो मोदी जी को फोन। हाँ, मोदी को कब तक रहना चाहिए देश को? बराबर रहे वो, कब तक बराबर रहे? एक आइडिया, क्या साल तक? 10 साल होगा जैसे, क्या साल तक चुनाव चले? जब तक चलत रहे और चुनाव बंद होगा तो वो भी बैठे रहे। माहौल कितने को दिखा रहा हूँ? माहौल कांग्रेस को दिखा रहा हूँ, कांग्रेस को दिखा रहा हूँ, और बदलाव उतना ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जिस दिन से मोदी जी आए हैं आम आदमी हमेशा लाइन में खड़ा दिखा है, हर साल। इधर की सरकार बने कहते देश में की सरकार बीजेपी बने, वो तो आवे वाली की सरकार है। आवे वाली भी भाजपा की सरकार है। आदमी तो कर रहा प्रदीप जैन, प्रदीप जैन आदमी कहने से क्या होता है, जो काम किए हैं भाजपा सरकार ने उसे देखिए ना। भाजपा तो 370 प्लस आ रही है। हाँ। लेकिन अब जो अपना गठबंधन है छोटे छोटे एनडीए मिला के पूरा 400 प्लस सीटें आई। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। इस वक्त हम लोग झांसी के आशिक चौराहे पे हैं और निकले हैं झांसी की जनता को मूड समझबे के लाने के जो होवेवारो मतदान है 2-4 दिन बाद, इमें का मूड है, का है लोगन को मिजाज, इधर का चाह रहे लोग। भाजपा से अनुराग शर्मा हैं, कांग्रेस से प्रदीप जैन हैं, प्रदीप जैन के संगे समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, उतें अनुराग शर्मा के संगे सुभाष बाबी लगी है, अपने अपने घटक दलन के संगे सब लोग अपनी अपनी ताकत झोंक रहे। लेकिन झांसी की जनता का चारी, झांसी की जनता को का रुझान है? चाचा का लग रहा हो इधर का स्थिति बने झांसी की? बीजेपी की सुन रहे हम तो टैक्सी चलाओ, बीजेपी की बताओ आदमी की, बीजेपी निकले। चाचा जी हमें उतार रहे टैक्सी से, अरे सवारी आ गई, लेकिन एक टैक्सी वाले चाचा, अरे सवारी बिल्कुल सबसे पहले हैं, बिल्कुल। हाँ बीजेपी की बताओ, बीजेपी टैक्सी में जाओ सवारी। इतने खुश कहा हैं आदमी बीजेपी से? क्या पता, अब तो हम चीजें आपको हम टैक्सी में चलत चलत बात करत तो का बुन्याई वन्याई नहीं होगी, बुन्याई वगैरह नहीं होगी सबसे, मतलब जैसे गाड़ी चलाओ आदमी ये वे वो भी कर रहे वो नहीं है, अब ए वे ओ वे नहीं है। हाँ, अच्छा पहले क्या स्थिति थी टैक्सी वालन की? पहले थोड़ी दिक्कत थी। जैसे क्या दिक्कत? अरे मतलब बातें आते नहीं सुना देते तो आदमी गाड़ी चुंगल्ला दे देते, अब बोलो मैं टैक्सी वालन को ऐसे ही समझता तो पहले। हाँ। कछु भी कह लो का करेंगे। हाँ। अब लेकिन अब नहीं हो तो अब थोड़ा अंतर देख रहे ई वजह से कहता हूँ ना कहता हूँ सवारी जैसे बैठती हैं कहाँ से कहाँ चला अपनी टैक्सी? चारों तरफ ही चले, चारों तरफ टैक्सी बैठा थी, ये चर चार चक्कर थी। अच्छा प्रदीप जैन भी हैं तीन बगल में रथ के, तुम उनकी क्या स्थिति है कांग्रेस? जो हमें खबर तो अब जो तो हम नहीं बता, लेकिन माहौल बीजेपी को समझ में आ रहा हो? बताओ दे अब हम क्या बताओ, बताओ और भी तमाम लोगों से अपन लोग समझें कि आखिर असली माहौल का है। बहुत सारे युवा भी हैं और बहुत सारे लोग भी अपन को मिलवे जा रहे हैं, नए नए लोगों से अपन बात करें, कछु नए मौड़ा मौड़ी हैं इनसे पूछे कह रहा जा कहना अपन को, इतना दांत दिखा रहे हैं अपन सिवान से पढ़ा तड़ा थो नौकरी करत नौकरी करत का है मैं गुटका गुटका मन बेचत है पीसत हो बेचत है बेचत हो गुटका का लग रहा हो इधर का है हल्ला गुल्ला चुनाव नाव को? अरे अब चुनाव वाला है भाई नहीं है मैं नहीं है चुनाव लगा अभी 16 साल के हैं 16 साल के हो गुटका को काम करत वो आदमी तो कह रहा हो बेरोजगार बेरोजगारी अरे बेरोजगारी हम तो हम पे तो पैसा है बेरोजगारी का हम तो दम से बिरयानी खा रहे हैं दम से बिरयानी खा रहे हैं बेरोजगारी को यही नहीं है कोई बेरोजगारी नहीं है और लोगों से जान लें हालांकि 16 साल की उम्र में ये नौकरी करन लगे हैं काम धंधा करन लगे ये भी छोटे ही लग रहे हैं कछु बड़े एज के जो वोटर हो गए उन लोगों से चर्चा करवा जरूरी है उनसे अपन लोग समझें जहाँ बहुत चर्चित दुकान है तो आशिक चौराहे की आशिक चौराहे है जो चाचा का हाँ आ सकी चौराह नई बस्ती भी तहाँ से लग जात कन्फ्यूजन तो डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है आपको खावे में का है इधर स्थिति का नज़र आ रही है चुनाव की? हाँ देखिए सब बहुत जोर से तैयारी में लगे हुए हैं रोज प्रचार हो रहा है हो रहा है अब देखिए सांसद जी भी उतरे आए हैं वापस रोड पे आ गए हैं तो इतनी तो 50-50 चल रहा है अभी किसी का ज़्यादा पल्ला नहीं है अभी जा नहीं कह सकते कि जी जीते ही गए बिल्कुल नहीं क्योंकि अभी सांसद जी से ऐसे मिले थे बीच में हम हाँ। तो उनकी जो पिताजी हैं विश्वनाथ शर्मा जी उनके ऊपर किताब लिख रहे हैं हम लोग हाँ। अच्छा हाँ तो विश्वनाथ शर्मा जी के ऊपर किताब लिख रहे हैं हाँ हाँ तो हमारी कंपनी है हमारी स्टार्टअप है तो विश्वनाथ शर्मा जी के ऊपर किताब लिख रहे हैं
सीडीओ सर के ऊपर लिख रहे हैं, कंपनी का मेमोरियल टेल है, सीडीओ साहब जुनैद अहमद, हां हां जुनैद अहमद जी उनके ऊपर लिख रहे हैं। तो इस तरह करके 10-15 लोग हमने प्रोमिनेंट उठाए हैं, तो उन सभी लोगों के ऊपर किताब लिखने के बाद लॉन्च करेंगे इसको। फिर हर दूसरा बंदा कोई भी ऐसे कोई अपने माता पिता को श्रद्धांजलि देना चाहता है तो वो कम से कम कॉस्टिंग में हमसे लिखवा सकता है। तो स्टार्टिंग हमने उन्हीं से किया था, तो उन्होंने कहा था पहले हमारे पिताजी की लिखना फिर आप हमारी लिखना। तो इस समय विश्वनाथ शर्मा जी के ऊपर लिख रहे हैं। अबे कहाँ तक पहुँची जा किताब? ये किताब खत्म हो चुकी है उनके पास, चुकी है। हाँ रिव्यू होने के लिए गई है, जब वो रिव्यू कर देंगे तो उसका विमोचन करके बाहर कर देंगे पब्लिक में, हर कोई पढ़ पाएगा। लेकिन चुनाव की स्थिति बहुत गंभीर चल रही है, 50-50 कह सकते हैं हम, अभी कभी पक्का नहीं कह सकते हैं। हाथ भी जोर से काम कर रहा है, कमल भी जोर से काम कर रहा है, सब लगे हुए हैं तैयारी में। अच्छा ये चुनाव के मुख्य मुद्दा कहाँ रहे, कछु की पॉइंट समझ में आ रहेगा? देखिए चुनाव का यही चीज है, जो पहले 5 साल रहे हैं वो अपना काम दिखाएंगे हमने कितना किया, और जो गलतियां रह गई हैं वो अगली पार्टी दिखाएगी कि क्या क्या हम करेंगे। हाँ। यही चीज बराबर चलती रहती है, यही चलती रहती है हर बार, हर बार का यही है। अच्छा झांसी में कछु ऐसे दिमाग में काम है कि जी ठीक ठाक काम हो गए जी और हो चाहिए? देखिए रोडें तो बढ़िया बन गई, चौराहों में भी जो मूर्तियां हुई थी वो बन गई, कल का कार्यक्रम बढ़िया रहा है, सब जगह शादी विवाह कार्यक्रम रहा है, अब यही सब चीजें चल रही हैं, वो तो रहेगा आगे। अच्छा आप कह रहे हैं विश्वनाथ शर्मा जी के ऊपर आपने किताब लिखी, दो चार कछु ऐसी बातें जो पता ना हो झांसी की जनता को? ऐसी तो कोई चीज़ें नहीं जो पता के बारे में, हाँ पता ना हो, कई एक ऐसी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाहेंगे, जो खेल दिवस मनाया जाता है अगस्त में वो दद्दा ध्यानचंद जी के ऊपर, ये विश्वनाथ जी की ही देन है, ऐसा उनने और उनके जो सह पार्टी रहे सब साथ में उन्हीं के कारण ये चीज़ मनाई जाती है। अपने पूरे देश में दद्दा ध्यानचंद का नाम है, पूरे विश्व में नाम है, तो उस दिन को विश्वनाथ शर्मा जी ने ही कह सकते हैं, जो उन्होंने बताया उनके लोगों ने, उनके पुत्र जी ने, उन्हीं की वजह से ये पूरे भारत में मनाया जाता है खेल दिवस के दिन। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया, बिल्कुल प्रयास किया था और सफल रहे हैं कुल मिलाकर, ये बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम है। और जो हमारी हीरोज फील्ड है सीपी बाजार में, ये उन्हीं की देन है, वहाँ पे भी कॉलोनी बन रही थी लेकिन उनके समाधि स्थल को वहीं बना के बच्चों को खेलने का भी स्थान आज भी वहाँ पे है। ये दो चार चीज़ जो हमें नई चीज़ें पता चली हैं उनके बारे में, तो इन सब चीज़ों की तरह कई काम, सांसद रहे बिल्कुल रहे हैं दो दो बार, बिल्कुल दो दो अलग अलग जगह, हाँ ये भी बात सही है। तो काफ़ी काम किया जितना हमें पता चला है, अब अच्छी बुरी आती है हर बात में, हर आदमी होता है अच्छी बुरी बातें, लेकिन अच्छी चीज़ें जो हमें पता चली वो हम दुनिया को बताना चाहेंगे, वो सीखे उनसे। झांसी का तो बता दिया कि खेल 50-50 का है, देश का क्या खेल, देश क्या खेल खिलाएगा इस बार? देखिए देश में कई बाहर से भी काम चल रहा है, इंटरनेशनल से भी फंडिंग हो रही है और नेशनल में भी फंडिंग हो रही है। जो बाहर से ले जा रहा है वो शांति से खेल ले जाएगा, जो अंदर से खेल रहा है उसमें दिक्कत आ रही है। बहुत जोर की राजनीति है इस बार, बताइए अंकल जी गलत कह रहे हैं? बहुत मजा आएगा, लेकिन मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा, और झांसी में भी मजा आने वाला, बिल्कुल आने वाला है, यही कार्यक्रम चल रहा है। बहुत सफल का गाना मेरा रितेश परिहार, परिहार साहब का है बस ऐसी चल रही है अभी तो, बराबर बराबर ही चल रहा, और क्या है तुम्हें देखो भी बराबर कह रहे सोनी बताने बराबर नहीं और क्या है? बताओ कि का है बराबर चल रही, बराबर क्या अभी देखो ये जैसे कि जो गो राहुल दुबे है, राहुल गांधी है, वो तो अपना वैसे जे ये सॉरी मोदी जी है हिंदू मुसलमानों भी करवा रहे, मतलब ऐसा नहीं है करवा ही रहे, लेकिन उनके सपोर्टर वगैरह हैं वो यही कर रहे हैं कि हाँ मोदी जी करवा रहे, मोदी जी करवा, मोदी जी करवा रहे, और हिंदू जनता वैसे भी ज़्यादा है कि तो और ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है कि हाँ ये ऐसा करवा रहे हैं और उनकी साइड ज़्यादा ले रहे हैं, और राहुल ऐसा नहीं है कि सारी हिंदू की साइड ले रहा है, कुछ लोगों को भी पसंद नहीं आ रहा कि ये सब गलत बात है कि उस चीज़ में राहुल गांधी पकड़ रहा है, तो उन्हें मुस्लिमों का तो पूरा सपोर्ट मिल ही रहा है, हिंदुओं का भी मिल रहा है उसी में थोड़ा बहुत का, तो इस वजह से वो थोड़ा बहुत चांसेस उनके भी अच्छे खासे आ रहे हैं। मोदी जी की थोड़ी बहुत इधर उधर से बातें निकलती हुई आ रही, मतलब ऐसी सोशल मीडिया वगैरह पे निकलती हुई आ रही। 2014 का चुनाव अपन लोगों ने देखा अच्छे से, 2019 का भी देखा, 2014 और 2019 के मुकाबले भाजपा के लिए ये चुनाव टफ है कि बहुत आसान है? डिसेंट है, वैसे तो कायदे से तो आसान होने चाहिए था, लेकिन अभी प्रेजेंट मोमेंट पर सोशल मीडिया पर उनकी थोड़ी कुछ ज़्यादा बुराई होने चल रही इधर, हाँ अभी बिल्कुल थोड़ी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, थोड़ी देर पहले ही ये सब चालू हो गया उनकी बुराइयाँ वगैरह, नहीं तो उनके जीतने के चांसेस थे ही 110% कि जीतने ही थे उन्हें, लेकिन अभी थोड़ा बहुत वैसा हो गया तो थोड़ा सरकार बनने में डाउट है। सरकार क्या मोदी सरकार बनने में फिर से डाउट है? नहीं ऐसी बन सकत, हाँ बस ऐसा वही तो ऐसा ही चल रहा ना अभी, स्टार्टिंग उनकी बैड मार्केटिंग हो गई। अब मोदी जी पे जी है, लेकिन थोड़ा टेक्नोलॉजी वगैरह इन सब चीज़ों में भी देखते हैं, अभी यह दो दिन से मेरे फोन आ रहा भैया हम सपोर्ट करें, फलाट मकान ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग चलने को लगी, मैं जैसी चीज़ें परेशान हूँ, बीच गाड़ी में फोन आ रहा भैया हम मोदी जी बोल रहे हैं हमें सपोर्ट करें, फलाट मकान मोदी जी का फोन, हाँ मतलब मोदी जी का नहीं रिकॉर्डिंग है उनकी, पहले से प्री रिकॉर्डिंग चलने को लगी,
ऐसी दो चार बार वही सबके फोन में आता, क्या आता फोन में, क्या मैं तो काट देता स्टार्टिंग में इतना पता कि हाँ जी मैं आपका सेवक मोदी जी बोल रहा हूँ, आपकी सेवा के लिए हूँ, कृपया हमारा साथ दें, वोट करें, जी सब चीजें चल रही हैं, बस उसके बाद मैं काट देता नहीं सुन आगे नहीं सुनते कौन सुनेगा, इतना टाइम ही नहीं है। राहुल गांधी का फोन आएगा तो सुनोगे क्या? नहीं उनका भी नहीं सुने, टाइम ही नहीं है सुनने को किसी का, टाइम रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं ये अपनी, तो उसी पे फोकस कर रहे हैं, अभी सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं। अभी आए हैं, अब घर जाएंगे, घर का काम देंगे, घर पे भी तो देखना पड़ता है अब इतने बड़े। अच्छा, जब ये टेक्नोलॉजी नई नई आई थी रिकॉर्डेड कॉल वाली, तब लोगों को लगा कि वाकई में मोदी जी का फोन आया। अब ये तो हम लोग, कई लोग जो पढ़े लिखे नहीं है उन लोगों को लगता होगा, गांव देहात, हाँ वही तो उन लोगों को तो लगता ही होगा कि हाँ मोदी जी का फोन आया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग आ जाती है। बहुत बढ़िया। और एक और भाई है, क्या नाम है भाई? अभिषेक। अभिषेक जी यहीं झांसी के हैं? महोबा। महोबा के, महोबा में क्या शोर है भाजपा? महोबा में भाजपा कांग्रेस कुछ है? भाजपा ही शोर है, भाजपा, भाजपा ही शोर। और वहाँ सपा से अजय सिंह राजपूत है, कौन है? हाँ उनका भी है। क्या है वहाँ, मान के चलो आप 50-50 रहे उनका, वहाँ भी 50-50 महोबा में भी, ऐसा क्यों है ना? 50 नहीं, 50 तो नहीं कहेंगे, हाँ 70-30 का बोलेंगे, हाँ 70-30 अजय सिंह राजपूत, और किसका कितना? अजय सिंह राजपूत 30, हाँ बीजेपी 70। बीजेपी से कौन है? राजपूत जी नहीं, चंदेल जी, पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी। वहाँ चंदेल साहब हैं, और लोग हैं झांसी के जो लोकल, उनसे पूछते हैं। चाचा राम राम। राम राम भैया। क्या नाम चाचा? राजेश जारोलिया। काम आम क्या? काम काम हम टैक्सी चलाते हैं। अच्छा, तो टैक्सी चालकन की अगर हम बात करें जी, जा सरकार भी देखी उनने, हाँ। के पहले सरकार नहीं बेबी देखी, अंतर का देखा था, अच्छी कौन सरकार और खराब कौन सरकार? भैया हमने जब से होश संभाले हम तो बीजेपी के कट्टर हैं, हाँ बीजेपी को कमल के फूल को वोट देते हैं शुरू से, जब से होश संभाला है, क्योंकि जब बिल्ला मिलते थे छोटे थे लटकाए घूमते थे, उसी समय से जुड़े हुए हैं बीजेपी के। बीजेपी पहले झंडा भी लगते घरन पे, घरन पे बांस के डंडा में, हाँ ये लगाया आपने? नहीं अब अभी लगाया था, घर घर मोदी सब खूब लगे घर, अभी भी चाहिए। पहले झंडियाँ में लगती चुनाव होते तो? पहले झंडियाँ नहीं, हम तो बिल्ला के शौक थे, हाथ के पंजा के मिलते थे, कमल के फूल के मिलते थे, हाँ लटका के घूमते थे पूरे में। दुनिया ने के भाजपा की केवल? नहीं नहीं केवल बीजेपी के मिलते सबके थे। तो जो ऊपर से लगा लेते, हाँ मैं तो जैसे बीजेपी, हाँ बिल्ला ऊपर से लगा लेते, हाँ दिल से बीजेपी। आप भी दिल से बीजेपी के? कब से? 14 से के और पहले से? नहीं हमेशा हमेशा से, हमेशा हमेशा से। अच्छा अब ऐसा नहीं लगत कछु कछु के बीजेपी तरक तरक बदल गई हुई? सही दिल से बताइयो भाई साहब, का है ना अपन के घर में जैसे आपके पिताजी हैं, आपको कुछ घर बाल नहीं संभाल लो आपने, उनने हाँ हाँ उनने घर बाल नहीं संभाल लो, हाँ आप अपने पैरों पे इस्टेब्लिश हो गए, हाँ तो आपको टाइम लगेगा भाई साहब। अबे 10 साल हो गए और टाइम कितना? अबे लगन जाए हिसाब से मोदी को कब तक रहना चाहिए देश को? बराबर रहे वो कब तक? बराबर रहे एक आइडिया क्या साल तक? 10 साल हो गए जैसे, क्या साल चुनाव चले जब तक चलत रहे, और चुनाव बंद हो गए तो वो भी बैठे रहे, तो वो ही जैसे थे हमारे महोबा में डिहरी कॉलेज को चुनाव हो तो अध्यक्ष पद पे मनीष तिवारी बैठो तो और वो आज भी बैठो ही है अध्यक्ष पद पे, ऐसा ही चाह रहे हैं नहीं भाई, फिर चुनाव नहीं भाई, ऐसे ही चाह रहे हैं, एक क्षेत्र राज चाह रहे हैं आप तो मोदी को? हाँ बिल्कुल। अच्छा इतनी वो पसंद का है मोदी है ना, राहुल का है पसंद नहीं है? राहुल गांधी कबू नहीं रहो है ना रहे, कारण तो ये की वजह से बुरा लगा था, कारण कहा है ओपन करें फालतू, अच्छी चीजें बता दो मोदी की फिर। सब कछु अच्छो को सब 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 कछु, महंगाई बढ़ रही जा बढ़न दो कोई दिक्कत नहीं, वैसे अपनी कमाई जेब बढ़ रही यार, वैसे अपनी जेब बढ़ रही, हाँ हा? कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान कह रहे भाई अन्ना जानवर घूमतू को कौन इंतजार, जबरदस्ती हो जबरदस्ती हो, एक दो किसान के आप इंटरव्यू ले लो, हाँ इंटरव्यू ले लो सुबह, एक दो बोलना है ठीक है, सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, और भी तमाम लोग हैं, और तमाम लोगों से भी अपन हल्को सो जायजा लें, बिल्कुल जो बिल्कुल लोग डिस्टर्ब भी ना हो और लोग बता भी दे, पहले पिछाई बारे चाचा से बताएं। चाचा राम राम। राघव। क्या नाम चाचा? राकेश। कहाँ के हो? झांसी। झांसी के? झांसी में कहाँ के? झांसी में रहते ग्वालियर। वार्ड कौन सा लगा तो था? 37 वार्ड।
पार्षद को नाम पता है? हुआ है वीरेंद्र राज, वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र यादव कौन सी पार्टी से आते? सपा से? हाँ। भाजपा से? नहीं, सपा से। सपा से। कहाँ है इधर झांसी को माहौल क्या लग रहा हो? झांसी का माहौल तो हमें यही लगेगा जो कांग्रेस का, कांग्रेस कांग्रेस का है ही, लेकिन बीजेपी का ज़्यादा लग रहा। बीजेपी को ज़्यादा क्या लग रहा हो? बीजेपी का इसलिए लग रहा है भैया आजकल मोदी छाया जा रहा है। कहाँ छाओ सोचो, समझ में नहीं आ रही अभी तक। आजकल क्या है कि इसलिए कि जैसे मोदी है तो मोदी अच्छे काम करा रहा है, उसके बाद योगी है तो आजकल बदमाशी नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, लूटपाट नहीं है, ये चीज़ें नहीं है। और राहुल गांधी का पसंद नहीं आ रहा जैसे गठबंधन बारे? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल। अब इसलिए पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि आदमी को अब वो 5 साल जो रहे हैं तो उन्होंने कई काम ऐसे किए हैं जो मोदी दिख चल रहा है आदमी। मोदी ने काम 5 साल इतने अच्छे काम करे कि मोदी चले आ रहा आदमी, लेकिन एनआरएन की चर्चा काय नहीं कर रहा। पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से तो इस बार कांग्रेस आना चाहिए, तो अच्छी बात है। आपके हिसाब से कांग्रेस आना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं मोदी की आ रही। लेकिन मोदी चक्कर क्या है कि अब भाई ऐसा कि मोदी का चर्चा ज़्यादा है ना, इसलिए मोदी की चर्चा ज़्यादा है। लेकिन आप चाह रहे कांग्रेस आ जाए? हम तो ये चाह रहे हैं भैया, देखो सरकार है मोदी ही आए तो अच्छी बात है, क्योंकि मोदी नहीं। ये कछु बताओ कि मोदी ही की आ जाए कि कांग्रेस आ जाए? नहीं, कांग्रेस आए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं कि मोदी की आ जाए। नहीं, हमें कोई कौन उनकी आ जाए, किसी की आ जाए, अपन को जैसे थे अपने वैसे ही रहेंगे। हाँ भैया, आप इसी में समझ लो कि वो कह रहे हैं मोदी भी जी आ जाए चाहे राहुल जी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम तो वहीं के वहीं रहेंगे ना। आप पता क्यों दे रहे हो? और क्या हवाली का क्या है, हम तो बेरोजगार हैं। आपके लाने क्या करें चाहिए? आपके लाने क्या करें चाहिए? सरकार बेरोजगार आदमी है भैया, पेट पाल रहा है, मजबूरी कर रहा है। काम करत, काम का करत? हम अपना काम करते हैं, गाड़ी का, मोटरसाइकिल, मिस्त्री के डन में काम करते हैं। मोटरसाइकिल रिपेयर करत जाए? नहीं, फोर व्हीलर गाड़ी का, फोर व्हीलर की रिपेयरिंग। क्या चाह रहे हैं आप लोगों के लाने, क्या करें चाहिए सरकार को? सरकार कुछ ऐसा करे कि हम देखें पब्लिक को ये लगे कि हमारे लिए कुछ करा है, हमें ऐसा तो लगना चाहिए कि हाँ भाई। जैसे एक दो काम बताओ जैसे सरकार को क्या करे। जैसे मान के चलो पढ़ा लिखा आदमी इंटरव्यू कर रहा है, फिर रहा है, उसके लिए नौकरी कम से कम निकाले तो उसको ये लगे कि कम से कम मेहनत करी है उसने, 4 साल 5 साल डिग्री करे। आदमी घूम रहा है, क्या कर रहा है इस टाइम? कुछ नहीं कर रहा है आदमी, बेरोजगारी की तरह कर रहा है। कम से कम पढ़ाई लिखाई जो ऐसा खर्च कर रहा है, कम से कम उसका तो नतीजा मिलना चाहिए, उसका नतीजा जो फाइट कर रहा है, जो दिमाग एक और भाई साहब हैं, आओ इतने आओ, तुम इतना बात करें अपन तसल्ली से। का नाम? सत्येंद्र। सत्येंद्र, तो सत्येंद्र उम्र कितने की है? 25 तक? नहीं, 23। 23 साल के बाद? 23 साल के हिसाब से पिछली बार वोट डालो तो कि नहीं? कहाँ है इधर का स्थिति लग रही है? इस बार बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है, और काहे जरूरी? अरे बहुत बेरोजगारी है, देख रहा था मतलब, शासन प्रशासन ही सही हिसाब से काम कर रही है, कोई वो नहीं है, और बदलाव बहुत जरूरी है। लेकिन माहौल के ताएं को दिखा रहा हो? माहौल कांग्रेस को दिखा रहा हूँ, कांग्रेस को दिखा रहा हूँ, और बदलाव उतना ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल जरूरी, कांग्रेस टाइम। लेकिन कछु आदमी कह रहे हैं कि कांग्रेस ठीक है, जीत भी जाए, प्रधानमंत्री को बने फिर? प्रधानमंत्री देखो, सरकार आने पर तय होगा तो कौन बनेगा। जैसे अभी जब सरकार बनेगी कांग्रेस की, अब वो अभी जब चुनाव हो जाएगा, अखिलेश यादव कर लगे कि नहीं हम अपनी पार्टी के मुखिया हमें बनाओ, ममता बनर्जी उतर से कर लगे मैं हमें बनाओ, राहुल गांधी के हमें बनाओ, केजरीवाल के हमें बनाओ, फिर क्या होगी? नहीं ऐसा नहीं होगा, काहे जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, अभी बनेगी तो प्रधानमंत्री तो एक ही बने, की को बने चाहिए गठबंधन में प्रधानमंत्री की को? राहुल गांधी। झांसी को क्या माहौल लग रहा होगा? झांसी का माहौल भी ठीक ही ठाक है, वो ठीक ही ठाक है। अब क्या स्थिति देख रहा है, कितनी स्थिति देख रहा है, कैसी का फाइट देख रहा है? फाइट 60-40, 50-50, 30-70, कैसी का? नहीं नहीं, अच्छी फाइट चल रही है इस बार, अच्छी चल रही है, टक्कर लें, टक्कर मज़ा आएगा चुनाव में, चुनाव में मज़ा आएगा, लोग बता रहे। एक और दोस्त आए, देखो इतना ही हुई है, बहुत चर्चा, बहुत लोग आए थे। कहाँ नाम अपन को? विशाल। विशाल कहाँ के आओ? ललितपुर जिला। ललितपुर के आओ, कहाँ है ललितपुर को फिर? ललितपुर में सुन रहे हम अच्छी हवा है, कांग्रेस की है, कांग्रेस की है, और इनकी शर्मा जी की, शर्मा जी की क्या पता है, अभी तो कांग्रेस की चल रही है, कांग्रेस का कह रहा हो आदमी, कांग्रेस ललितपुर को कत का है आदमी उनके बारे में? मानेंगे भाई, दिल्ली में हो, बताओ का कह रहे? क्या कह रहे कि बुला देना होगा, सरकार बदलनी चाहिए। ऊब गए का, कौन कौन सी बातों से ऊब गए, और उनकी गठबंधन बारन की कौन कौन सी बातें अच्छी लग रही?
गठबंधन बिलादना से सरकार नहीं आई, उन्हें दूसरी सरकार जाने ऐसे ही बोले। हाँ बिलादना से तो आदमी अपने पापा के संगे भी रहता, उनसे उपजो ने भगा देगा। उन्हें कैसे भगा दे, तो कछु और कारण तो ये कि जो इन्हें खराब काम करो, जो इन्हें और खराब काम कर दो, जो सत्यानाश ही करो, कछु दो चार खराब काम हो जब तो आदमी चाह रहा हो कपल दे। अरे कुछ किसी को कुछ नौकरी नहीं मिल रही, तो मतलब किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, तो उनमें का अच्छो दिखा रहा हो गठबंधन बारे में। गठबंधन में उनके बाद ही कर रहे, जो उनकी कह रहे कि नौकरी देंगे युवाओं को, महंगाई कम करेंगे, मतलब ऐसी बात। उनके बादन पे भरोसा है कुल मिला के। हाँ। ललितपुर को। हाँ। ललितपुर में कहाँ की अपन, जखोरा के। हाँ। जखोरा के हो। हाँ। पक्के में पक्का जखोरा के हैं भाई साहब। अपन कहाँ के हो चाचा? तालवेट से भैया। हैं तालवेट से। संगे ही होगा? साथ में ही है। दो ही जाने जी। जखोरा भाई एक जने विधायक जी भी हैं जानत का? जो कौन से विधायक जी? बड़पुरा के। अच्छा डॉक्टर सस्पाल यादव। हाँ डॉक्टर सस्पाल यादव जानत है। कहाँ है स्थिति? स्थिति जा है कि इस बार बदलाव चाहने, इस बार हाँ बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। किसान की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। हाँ। और देश बहुत पीछे जा रहा है। हाँ, अभी भाई साहब कहेंगे एक जने हते भाई साहब आओ, आपकी जरूरत है। हाँ। भाई साहब कह रहे हैं किसान की स्थिति बहुत खराब हो गई, इस बार बदलाव चाहिए। भाई साहब कह रहे थे अन्ना अन्ना जानवर की कोई समस्या ही नहीं है। अन्ना जानवर की इतनी समस्या है अन्ना, आप किसी भी गौशाला चले जाइए, वहाँ दिन में कम से कम 10 और 15 जानवर खत्म हो रहे हैं। हाँ। जिनको बिना अधिकारियों को सूचना दिए, बिना अधिकारियों को जानकारी दिए वो दफन किए जा रहे हैं। हाँ। उसमें भी धालमेल हो रही है। हाँ। पता चला है कि वहाँ पे भोज की कीमत 5,000 है, लेकिन बिल बन के वहाँ से 10,000 के जा रहे हैं। कुल मिला के ये गलत है। क्या गलत? कुल मिला जो भैया बता रहे हैं सही क्या है? सही क्या है? अरे नहीं ये सही बता रहे हैं, जो वो कर रहे हैं। हाँ। 5,000 की धांधली हुई है, वो 5,000 का हो रहा है, 10,000 बताया जा रहा है। ये चीज गलत कर रहे हैं वो लोग गलत कर रहे हैं। कौन लोग? गौशाला वाले। जिम्मेदारी की है रोकवे की, मोदी थोड़ी करवा दे भैया। तो मोदी ने बना के तो रखो सांसद विधायक जिला पंचायत अध्यक्ष बीडीसी प्रधान ऊपर आने पड़ा ना, कहाँ दे कहा, हर कोई धांधली में बैठो यार, हर कोई धांधली में बैठो, हर कोई भाजपा ही को तो है आज, हर कोई पार्षद से लेके प्रधानमंत्री तक सब मतलब आप भी भाजपा के हैं को? आप नहीं, हम तो जब तक जो पकड़े जब तक कछुके नहीं बाद हैं जो हैं चाहे। सुनिए आप सुन रहे हैं भाजपा की बुराई, सिर्फ भाजपा की बुराई, आप अच्छी बातें कर रहे थे आपको नहीं सुना। आप मैं ना भाजपा और कांग्रेस ना सपा ना बीएसपी, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, समस्या बता, मैं सिर्फ आज की कंडीशन बता रहा हूँ। आप किसान के यहाँ जाके देखिए, देखो किसी के पास आपने जो बात कही हमने उसको सर्टिफाई करो कि आप सही हैं। कैसे सही होगा ये? आप सही है। इसका सही होने का तरीका क्या है? लो अबे आप खुद बता रहे हो, आप कह रहे तरीका क्या है? आप बता रहे हो ये सब मोदी जी नहीं करा रहे हैं, ये बीजेपी नहीं करा। हाँ मोदी जी नहीं करा। कौन करा रहा है? योगी करा रहा है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? है तो जिम्मेदारी योगी की। क्या होना चाहिए आप बताओ जी, कैसे वोट देते हैं? इनके 5 बीघा के खेत में जानवर घुस गए, पूरी फसल चरपट कर दी, कैसे भाजपा को? अपन छत से नीचे उतरते हैं। श्रीमान जी आप सुनिए किसान की स्थिति, हमारी बात सुन लो जी। आप अपन छत से नीचे उतरते हैं, कितने जीने आते हैं? जितनी लंबी छत हो। हाँ। ये फॉर्मूला गिनती तो नहीं हो सका, जिनका इतना जीना हो उन तक पहुँचो आप। कहाँ? इन मतलब जो किसान सब्सिडी का जो मुआवजा देते हो उन तक पहुँचो आप यार, आप पहुंचिए ना वहाँ पे। तो फिर कहो रेलवे को ब्रिज करे, सो रेलवे के पास चले जाए। मान लो हमारे पास तो खेती भी नहीं है। हाँ। और सामने आप करूँ तो 15 लाख है खाती में, कहाँ 15 लाख आए कोई चर्चा होने लगी। सुनो तो अब आप एक जने आज मिले थे तो कहते हमारे पापा ने 3 अकाउंट खुलवा दिया है, हमारे खुद 4 अकाउंट है, हमारी खेतानी कितनी नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ हमें ये चीज की जानकारी भी नहीं है। 15 लाख की किसान कॉल है? 15 लाख की नहीं है पता है? 15 लाख की नहीं है जमा, भाई साहब आपको पता 15 लाख की? मुझे 15 लाख का पता है, मुझे जनधन खातों का पता है। हाँ। मुझे हर एक चीज का पता है। हाँ। आप मुझे एक बात बताइए, जिस दिन से मोदी जी आए हैं आम आदमी हमेशा लाइन में खड़ा दिखा है, हर साल ऐसा कोई भी, आप ये बताइए, आप हमें ये बताइए नोटबंदी से किसान का क्या फायदा हुआ? बताओ
तो किसने कहा फायदा हुआ? मेरी बात समझ, उसमें सब लोग पिरे हैं, सब लोग पिरे हैं उसमें। कौन पिरा है? सब पिरे हैं। नोटबंदी से जितना भी बेनिफिट हुआ है सब बड़े लोगों को हुआ है, इसीलिए नोटबंदी कराई गई थी, बड़े लोगों को फायदा दिलाने के लिए हुआ है उससे, बड़े लोगों को फायदा दिलाने। सब गंगा नदी में बोरिंग बोरिंग डली मिली पैसों की, क्यों डली पैसों की? इसीलिए कि अपना पैसा दो नंबर का वहाँ फेंक दें। वो लोग गरीबों को भी तो बांट सकते थे, जिनने नंबर का पैसा कमाया था उनने बैंक में जमा कर दिया। आपको पता है कि क्या चल रहा है भाजपा में? बेरोजगारी, आप बता दो क्या चल रहा है। हम आपसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह, आप भाजपा को किस बेस पे पसंद करते हैं बताओ भाई साहब, किस बेस पे? नहीं हमें तो सही है भैया, चाहे जिस बेस पे हो हमारे लिए सही है, आपके लिए सही है, हम मानते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। एक बार आप किसानों से जाके मिलिए जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उनके घर में जाके देखिए आप, सिर्फ 5 किलो राशन से ही सब कुछ होने वाला नहीं है। सुनिए मेरी बात, सुनिए बुंदेलखंड सुना, मैं जो आपसे कह रहा हूँ, सबसे बड़ी इस देश की रीढ़ की हड्डी अगर मानी जाती है तो वो किसान है, वो किसान ही है। इस दिन आप बताइए, कोई भी किसान अपने बेटे को किसान बनाना क्यों नहीं चाहता है? आप बताइए मुझे, क्यों वो किसान बनाने नहीं चाहता? भैया हमें तो यही लगता है, हर कोई किसान बनाना चाहता है, वो किसान बनाता है। भाई साहब स्कूल में नहीं भेजता यार, आप 1 महीने किसान का कार्य करके देखिए, मैं आपका भक्त हो जाऊंगा। क्या आप किसान का कार्य कर सकते हैं? आपके बताए नहीं कर सकते। हमने नहीं कहा रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो देश की रीढ़ की हड्डी ही है वो। नहीं किसान वादे किए थे किसानों की दोगुनी आए दुगुनी आए, भाजपा ने देखो उसके बारे में नहीं कह सकते हम। आप कहा पसंद करा था, आप दो चार चीजें तो बताओ, वे सीधे धड़ाधड़ आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं हम दिल से भाजपा है, हम सुकून से हैं, सुकून से हैं, यही सब बात कह रहे भाई साहब, सरकार में सुकून है, हम सुकून से हैं, समस्याएं सो हैं लेकिन हम सुकून में हैं। क्या है एक्चुअल में, ये शहर से आते हैं इसलिए इन्हें सुकून दिखाई दे रहा है, इनके पास रोजगार है, घर में एक दो नौकरी भी होगी, हाथ में दम है, बाकी हमारी नौकरी लगी थी, सुनो तो हमारी नौकरी सरकारी थी संविदा पे और केंद्र से थी, नौकरी छूट गई, अपना काम करने लगे। आने वाले समय में सबके साथ ही एक बच्चे को कंपटीशन की तैयारी करने में कम से कम 3 लाख रुपए खर्चा होता है, ठीक है, फीस भी देगा, रूम रेंट से रहेगा, खाएगा पिएगा, पैसा खर्च नहीं होगा। अगर उसका पेपर लीक हो जाएगा, अगर किसान का बच्चा होगा कहाँ से वो फिर से पच जाएगा का पैसा, फिर से कहाँ से आएगा पैसा? पढ़ाई वाली बात अलग है, नुकसान है, नुकसान यार, सीटेट का पेपर देख लो लीक है, यूपी पुलिस का पेपर देख लो लीक है, बच्चों ने कैसे पेपर दिया, वो कितनी मेहनत से तैयारी करी, तो उठा रहे हैं ना, तो आवाज और भी लोग हैं भाई साहब, कहा नाम अपन को, सोनू कहा है, इधर स्थिति कहा है? अब हम तो चिड़गांव के, हम तो यही झांसी में आए हैं, अभी चिड़गांव में भी तो चुनाव होने, हाँ तो होने होने होंगे ना, हैं कहा है चिड़गांव की स्थिति? स्थिति अब जगह ही नहीं है, 6 महीना तो स्थिति का बता, कहाँ रथ कहाँ हो? चिड़गांव में नगर पालिका के पास। अबे कहाँ रथ? अबे यहीं नई बस्ती आज चौरा जान दरवाजे का माहौल, जनता में तो जात हुई, लोग अन्नो बैठा थी, क्या कह रहे हैं आदमी इधर? ठीक है देने वोट, वोट नहीं पूछ, जो वोट नहीं बताना की कौन देना, माहौल बताने, वोट तो गुप्त रखने, अरे जो दिल से वो वही देते, का जो जीत गए वो दे ले, वो दे दो हमने, सपने तो प्रत्याशी ही नहीं लड़ा, नहीं हो रहा तो हम तो खड़े, मजाक नहीं, सही बताओ माहौल का है? माहौल भैया हम तो सपा के हैं, उसी में देते हैं, कोई आपको बताओ है प्रत्याशी को है? वो अखिलेश है, को है सांसद को है? अरे वोट कैसे दो, की को दो वोट? सपा को देंगे, कहाँ दो, चेन्नई ना मिले सपा को फिर? अब तुम कह रहे गाड़ी नहीं मिले जाए करें, आदमी कैसे जाए? अरे सही में ना मिले इधर गाड़ी जाए खो, सपा को चेन्नई ना मिले ईवीएम में, ये सब मिले, अरे तुम्हारे सामने खुद मिले, अरे यार तो बेइज्जती करा रहे पूरी पार्टी की, नहीं बेइज्जती का यार, जो सुनता उसी की अपन सुनेंगे, साइकिल को दो वोट, बिल्कुल ईवीएम में साइकिल को बटन ना मिले फिर की को दो भगिया देंगे साइकिल को? जैन साहब तलक मेहनत करो, नेताजी से कहो तलक और मेहनत कर, मैं तलक विधायक जी से कहो भी और मेहनत कर, मैं लोगों को पतो चलवे कि साइकिल को अगर ईवीएम में बटन ना मिले तो उन्हें करने का है इधर, जे सपा के होना खट्टर हो ना भैया, सपा को वो बटन ना दिखाई ईवीएम में फिर सीधे चले आएंगे उल्टे घर, भगाओ ना घर पर, जा स्थिति है गुरु हित की। चाचा कहाँ के हो? एमपी के। एमपी के हो आप? इतनी के हो आप भी? एमपी के हो? सब जगह हो रहे हैं, और लोग भी हैं आप? एमपी के हो? एमपी के लोग भी झांसी की बिरयानी खावे आप? क्यों नहीं आ सकते? कहाँ है होता है? कांग्रेस है, इधर की सरकार बने कहते देश में की सरकार बीजेपी बने, वो तो
और देखो कहा लग रहा हो की सरकार बने बीजेपी की बनना वो तो क्लियर है क्लियर बने वो कांग्रेस कांग्रेस ले आ रहा है वोट कहीं पे तो जाएगा बीजेपी को बीजेपी पे अच्छा तुम्हें भी लगा सिस्टम है डाइट है क्लियर है डाउट नहीं है क्लियर है सिस्टम बनाया बैठे पूरो एक और भाई साहब है भाई साहब का नाम अपन को प्रभात नाम है भैया प्रभात जी प्रभात जी अपन को का दिखा रहे हो भैया हमें तो कछु नहीं दिखा रहा नाम बोर्ड लाए के 15 साल के हैं सीधी बात है 15 साल के नहीं उसे फिटनेस से तो बढ़िया लग रहा है भाई सात साल के नहीं भैया 15 साल के भैया वो पढ़त कैमे हो कैमे पढ़त 12 में जो स्कूल है पिछवाड़े तुम्हारे पिछवाड़े दिख रहा हूँ हाँ कौन साल है एल बी एम हाँ भाई पिछवाड़े दिख रहा तुम्हारे तो मैं पिछवाड़े नहीं यार इतने यार तुम भाई और है कौन तो भैया जी हम लोग आते कुशवाहा जी की फेमस बिरयानी है ललितपुर से भी आदमी आए कछु एमपी के भी हैं बहुत सारे ये महोबा से हैं तो जो कुशवाहा जी की बिरयानी की दुकान थी आसिफ चौराहे पे बताई गई बहुत सारे लोग आ इतने ही हम आ गए तो बहुत सारी झांसी ललितपुर के लोगों से भी चर्चा करी और बताए कि माहौल का है एक जने वाला आवेवारी की सरकार है आवेवाली भी भाजपा की सरकार है आदमी तो कह रहा प्रदीप जैन प्रदीप जैन आदमी कहने से क्या होता है जो काम किए हैं भाजपा सरकार ने उसे देखिए ना इतना सुरक्षित है गुंडाई नहीं होती है प्लॉटों पे कब्जा नहीं होते हैं यहाँ से आप अभी मऊरानीपुर चले जाओ ऐसा पानी का गिलास भर के कार में रख दो पानी नहीं चलेगा दतिया चले जाओ आप यहाँ से मतलब बहुत काम जितना अपन बोले गेहूं मिल रहा है बहुत सारी व्यवस्था है हमारी बात बोल दी आप पूछ रहे थे ना आपने तो पार्टी की बेइज्जती करा ना हमने अरे चौराहे पे करा दी बोले जवाब ही नहीं दे पाए उनको अरे हमने कहा था हम नहीं बोलेंगे भैया ने बोल दिया सब कुछ अच्छा विकास हुआ है कहीं मतलब बहुत सारी आयुष्मान कार्ड है 5 लाख तक का फ्री इलाज है मतलब पर्याप्त काम है जनता संतुष्ट है बहुत खुश है और सबसे बड़ी चीज है गुंडई बहन बेटी सुरक्षित है रात में 10 बजे के बाद व्यक्ति स्वतंत्र होके जाता है कहीं कोई समस्या नहीं यही से फिर कहा झांसी की क्या स्थिति रहेगी झांसी में भी भाजपा सरकार बनने भाजपा की जो अनुराग सांसद जी हैं सांसद जी अखिलेश यादव हैं उनके संग राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी और जाने कोको आप तो एक चीज समझिए ना भाई कि मतलब ये सबको एक क्यों होना पड़ता किसी का कोई डर तो है कोई खौफ है ना की को है खौफ नहीं तो भाई भाजपा का खौफ है कि भाई सब चोर इकट्ठे हो रहा है क्यों हो रहा है नहीं विपक्ष के जाकर है केवल भाजपा बारी पार्टी के मोदी योगी के अलावा कोई गुनाव ही नहीं है पार्टी में ना कोई की चल रही नहीं ऐसा नहीं है संगठन होता हम लोगों में भाजपा में एक संगठन होता संगठन के हिसाब से ही सब चलता है योगी मोदी है ये बात सत्य है लेकिन इनने कुछ किया है तभी तो है अगर इनने कुछ किया नहीं होता तो क्यों होते तो भाजपा है पूरी तरह से मतलब कोई वो ही इसमें कोई संदेह नहीं है सरकार हाँ। भाजपा की बननी है अनुराग शर्मा जी सांसद बनने वाले हैं हाँ। बिल्कुल प्रदीप जैन जी नहीं बन पाएंगे कितने से चूक जाए क्या लग रहा हो मिनिमम भी आप ले जाओ 3 लाख से कम से तो जीत है नहीं हो हाईएस्ट 5 लाख ईमानदारी से बताओ बड़े बड़े भाजपा के नेता कह रहे हैं कि 400 पार बाकी में 400 पार ले आओ 100% है 400 पार ये तो झूठी बात है दिल से बता दो भाजपा दिल से नहीं जी भाजपा अकेले की भाजपा तो 370+ आ रही लेकिन अब जो अपना गठबंधन है छोटे छोटे एनडीए में ला के पूरा 400+ सीटें आएंगे भाई साहब दिल से बताओ 400 पार आज बहुत होती 400 आना चाहिए भाई गुंडियाई आदमी संतुष्ट 400 बार कछु भी कह दो टैक्सी एक दिन में हम 700 किलोमीटर चलाएं चलेगा मेहनत कर रहे हैं तो काहे नहीं चले मेहनत करें तो चले आप चला लो काहे हमारे सवारी मिल जाए काहे ना चले भाई गुंडियाई ना मान आप नहीं समझ रहे जहाँ आप खड़े हो एक समय हुआ करता था कि इस समय लोग खड़े नहीं हो पाते थे खड़े नहीं हो पाते थे यहाँ से किसी ठेले वाले से पूछो आप उसका सामान ले लिया जाता था उसे पैसे नहीं दिए जाते थे तो इससे बड़ा होता है जिस चौराहे पे आप खड़े इसी चौराहे आसिक चौराहे पे ही बदमाशी होती थी और इस स्तर पे होती थी कि मतलब जिस चीज की अपन कल्पना नहीं कर सकते गरीब लोगों को सताया जाता था आज आप देख लो आप किस व्यक्ति को क्या समस्या है आदमी स्वतंत्रता से व्यापार कर रहा है सुपा में काम हो जाता था आपका खेल हो जाता स्टेशन मास्टर घर टिकट देन जातो जवाब में दम है भैया की में अब एक चीज दूसरा विषय में बता रहा आपको अभी आप मेमो ट्रेन का आपने देखा होगा पहले यहाँ से हमें इलाहाबाद जाने में या नैनी जाने में या महोबा जाने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था अब मेमो चल गई हर 2-3 घंटे में गाड़ी मिल जाती और यही चले जाओ मेमो चल गई बहुत सारी व्यवस्थाएं इतने काम है अपन गिना नहीं सकते काम है जनता संतुष्ट है बहुत अच्छा है निकल जाए आपके हिसाब से पक्का मेरे भाई हर चीज के 2 पहलू होते हैं अच्छा और बुरा उनके अच्छे भी हैं बुरे भी हैं 2-4 बुरे बता दो अच्छे तो बहुत जने बुरे हम नहीं बताएंगे ना एक बता दो एक बता दो बेरोजगारी बस मेन है
जैसे हम संविदा पे थे। बेरोजगारी पे सहमत हो आप? हाँ। कि बस, 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 इतना है बस। आप क्या रहे? जो अभी बसाए नहीं, देखो आपकी पार्टी को। नहीं नहीं नहीं, पार्टी से पार्टी, अरे समर्थक कार्यकर्ता। मैं रोजगार इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश का 90% युवा ये चाहता है कि सरकार हमें नौकरी दे दे, और वो नहीं दे सकती। अरे तो भैया नौकरी ही चाहिए उन्हें। हाँ। हमें इस बात का अगर उदाहरण मैं आपको अब इस बात पे दे दूं। हाँ। कि आप दिल्ली में जाइए तो पढ़े लिखे लोग आलू वड़ा पाव का वो लगा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ का युवा नहीं करना चाहता। आप ही चाह रहे हैं झांसी के भी पकौड़ा? नहीं, मैं ये क्यों वड़ा पाव, मैं बात वड़ा पाव की नहीं कह रहा, आप गलत चीज पूछ रहे। मेरा कहना यह है कि रोजगार हमें पैदा करना पड़ेगा। 125 करोड़ की आबादी को हम रोजगार नहीं दे पाएंगे, हम रोजगार नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये चीज है, जैसे किसी ने डिग्री धारक हो गया, डिग्री धारक उसको नौकरी क्या बुने कल आया के रिक्त पद हो नहीं समाल से। आप सीधे थे आंदो मेन पॉइंट पे, अब बताओ कर लो चल। अब आप बताओ कहाँ है इस चुनाव की क्या स्थिति है? देखो यार चुनाव की भैया जो की यार जहाँ जो इच्छा वोट वहाँ देते हैं। दुकान आपकी है? हाँ भाई है। आप ही हो कुशवाहा जी? हाँ जी भैया। आपके तो एमपी से भी आदमी आते, ललितपुर से भी आते, अब हम चर्चा कर रहे थे महोबा के खड़े सब। खाली प्रेम भाव है भैया, प्रेम भाव से आदमी आता है। बहुत से कम खावे की भूखे कम हो, प्रेम भी ज़्यादा भूखे हो। जैसे आप पे प्रेम लग गया तो आप भी चले आओ, अच्छो भी खिलाओ, अगर गलत बोलो तो दोबारा नहीं आया आदमी। कुशवाहा जी का है इधर स्थिति, आप सही बताओ। आपके तो रोज हजारन आदमी आ रहे। देखो आप खावे वीडियो बना रहे, सब कुछ बना रहे। देखो जो स्थिति हुई है वो सबको मालूम चले यार। और देखो जो बोर्ड जहाँ दें वो देते हैं, वो कोई खुल कर ही बता खाओगी सीधा। व्यापारक हैं, व्यापारक लोग खुल के कम बोलबो चाहते, लेकिन इतने जब हम लोग खड़े भाई तो इतने स्थिति कछु और देखवे को मिली है। हम लोगों ने जो देखो, जो लोगों से सुनो, वो सीधो सीधो आपको परोसो जाए है, आपको दिखाओ जाए। आपको कैसो का लग रहा हो माहौल, आप भी नीचे बता सकते कमेंट बॉक्स में। आपके आसपास भी आएँ, आपसे भी चर्चा हुई है। देखते रहो बुंदेली वार्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।